नमस्कार मित्रों, जय हो सूर्यदेव महाराज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताजा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 मई रविवार आपके राशि के महाराशि फल के बारे में कि 21 मई रविवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, कौन सा कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, इस दिन ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगा। साथ ही साथ बात करेंगे इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 21 मई 2023 दिन रविवार, तिथि की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 10:09 तक रहेगा। और अगर नक्षत्र की बात करें तो इस दिन रोहिणी नक्षत्र का निर्माण हो रही है। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय की बात करें तो शाम 5:20 से 6:59 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत भूल से भी ना करें, नहीं तो कार्य में विघ्न बाधा आ सकती है। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। सूर्य वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा 9:47 तक वृषभ राशि में रहेगा। उसके बाद वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, सितारे कहती हैं आज का दिन सभी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर देवों के देव भगवान ब्रह्मदेव जी का आशीर्वाद पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखें आलस्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो फिर आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे। आज आप अपने मन में एक प्लान करके चलेंगे। जी हाँ, आपका वह प्लान सक्सेस होगा और आप उसमें कामयाब होंगे। आज आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि खुद से ज्यादा दूसरों को समय नहीं देने हैं। जी हाँ, नहीं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इंसान दूसरों को खुश रखने की कोशिश लगा रहता है, वो इंसान अक्सर एक दिन अकेला हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि ये समय बड़ा बलवान है, क्योंकि एक तरफ यह समय कहता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो दूसरी तरफ कहता है समय किसी का इंतजार नहीं करती है। जी हाँ, इसलिए दोस्तों आपको समय अनुसार ही चलना है। जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, इससे आपको घबराना नहीं है और ना ही दिल पर लेनी है। आप अपने अच्छे कार्यों पर ध्यान दें ताकि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। सितारे कहते हैं आज का दिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए आनंदमय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि परिवार में सदस्यों से किसी बात को लेकर आपसी मनमुटाव चल रहा था, तो वह भी आज के दिन दूर होगा। जी हाँ दोस्तों, ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मुलाकात करने आ सकता है और आप आज अपने लिए कुछ नए कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप आदि की खरीदारी भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप अपनी जेब का ख्याल अवश्य रखें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं फिजूल खर्चे आप ज्यादा कर रहे हैं, और अगर आपके खर्चे इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है। स्वास्थ्य आज आपको परेशान कर सकता है, और जिन लोगों को पहले से स्वास्थ्य में कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी, तो उनकी परेशानियां अभी और बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इन सभी जातकों को अभी थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। आपको अपनी चल रही समस्याओं को लेकर डॉक्टरों से परामर्श अवश्य लेना होगा, नहीं तो बाद में किसी बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है।
जी हाँ, आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसमें आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे लोगों को कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका कोई काम यदि लंबे समय से अटका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जी हाँ दोस्तों, समय अनुसार कार्य करें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। किसी कानूनी मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जो है कि आवश्यकता होगी। यदि आप परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी वह समस्या दूर होगी। जी हाँ, संतान पक्ष की ओर से आपको कोई निराशजनक समाचार सुनने को मिल सकता है, जिससे आपका मन थोड़ा सा व्यतीत रहेगा, थोड़ा सा टेंशन में रहेगा। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने कामों पर ध्यान देकर कोई बड़ा नुकसान भी कर सकती है, इसलिए दोस्तों आप अपना ध्यान अपने कामों पर ही रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और विरोधी भी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगी। यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा था तो वह उसके लिए आपको उसमें डॉक्टरी परामर्श लेना होगा। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच विचार कर रहे हैं तो वह भी आपको बड़े आसानी से वापस मिल जाएगा। पिताजी से आपका कोई वाद विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए आज के दिन आप थोड़ा सा सावधान रहें, आपके लिए बेहतर रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लड़ाई झगड़े के आसार बन रहे हैं, आपको जवाब देने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए कोई निराशजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। जी हाँ, किसी को बिना मांगे सलाह ना ही दें और ना ही किसी को बिना मांगे मदद करें। जी हाँ, नहीं तो समस्या आज आपको हो सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकती हैं। यदि आपने पहले किसी को प्रॉपर्टी में निवेश किया था तो उससे आपको कोई अच्छा लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो वो किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आज आपको संपत्ति के मामले में लाभ हो सकता है। यदि आपको कोई संपत्ति संबंधित विवाद कानून में लटक रहा है तो उसमें भी आपको जीत मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी नई संपत्ति की खरीदारी पर विचार विमर्श कर सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके लिए दिए गए सुझावों का स्वागत होगा और अधिकारी भी आपकी बातों से काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। धन के मामले में दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन बाद में आपको धन लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। छोटे बच्चों के साथ आप मौज मस्ती करते हुए समय व्यतीत करेंगे। जी हाँ, इसीलिए हमने कहा है कि आज का दिन सभी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। इस दिन का आप लाभ उठाएं, सदुपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारियां आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक के बारे में। तो आज आपका शुभ रंग है लाल, यानी कि रेड कलर, और शुभ अंक है 7। भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 77%। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।